हेलो एवरीवन, मैं आलोक सैनी, इंस्ट्रक्टर पीटीसी वडोदरा, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे बिल्डिंग और एफआरईसी के बारे में। इसमें सबसे पहले है डिपार्टमेंटल बिल्डिंग। एस इज डिटेल ऑफ वर्क टू बी कैरिड आउट ड्यूरिंग पीरियडिकली मेंटेनेंस एंड रिपोर्ट। Annual repair and minor civil work and periodically maintained will be carried out by the civil wing. जो भी हमारा repair, minor, annual repair और minor civil work होता है वो civil wing के द्वारा ही किया maintain किया जाता है। IP will have closely liaison with civil wing authorities. जो हमारे divisional office का IP होता है वो civil wing के authority के साथ closely मतलब liaison बनाकर उसको तालमेल बनाकर रहना पड़ता है, क्योंकि जितने भी सिविल हम जितने भी रिपेयरिंग वाला जो हमारा काम रहता है या एनुअल रिपेयर या माइनर सिविल वर्क का, उसको हम सिविल विंग की अथॉरिटी को बताते हैं, फिर सिविल विंग अथॉरिटी उसके बारे में कोटेशन देता है और फिर वो अप्रूवल अथॉरिटी के पास पास होने जाता है। फिर है हमारा रेंटेड बिल्डिंग। रेंटेड बिल्डिंग में जो भी रेंटेड बिल्डिंग का रेंट होता है वो 5 साल में एक बार ही रिविज़न हो सकता है। The date of receipt of request for the landlord for the revision rent or the date from which such revision is due, that is after 5 years, whichever is later, will be the date from which the revision is to be allowed. Revision of rent is allowed only if necessary repair, special repair and maintenance of rented building have been carried out by the landlord to the satisfaction of the department and landlord agrees to execute a fresh lease agreement after revision of rent. जब भी रेंट का रिविज़न होता है तब हमें देखना है कि उस रेंटेड बिल्डिंग में जितनी भी नेसेसरी रिपेयर का काम है, स्पेशल रिपेयर का काम है, जो भी मेंटेनेंस का काम है वो लैंडलॉर्ड के द्वारा करवाना चाहिए। जब तक हम सेटिस्फाई ना हो हमारा डिपार्टमेंटल कि लैंडलॉर्ड के द्वारा जो किए गए काम है वो सही है, सब कुछ हो गया है, तभी हमें फ्रेश लीज एग्रीमेंट वाला काम जो रिविज़न ऑफ रेंट के लिए होगा वो एग्जीक्यूट करना है। वेन एवर ए न्यू कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रमाइसिस आर टू बी एक्वायर्ड ऑन लीज ऑब्लिक रेंट एंड एडवर्टाइजमेंट इन लोकल एंड नेशनल न्यूज़पेपर विद मैक्सिमम सर्कुलेशन मस्ट बी गिवन। जब भी हमें कोई न्यू कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रमाइस जब भी हमें लेना होता है लीज या रेंट पे, तो हमें उसका एडवर्टाइज लोकल और नेशनल न्यूज़पेपर पर देना पड़ता है। रेंटेड बिल्डिंग में रजिस्ट्रेशन ऑफ लीज डीड इज कंपल्सरी होता है। Exemption can be provided where the building is owned by trust, society, etc. with the approval of PMG. The cost to be borne for registration may also be considered while fixing rent. If the rent proposed is within the financial power of SSPO, oblique SPO, there is no need to hold FRAC. अगर वो SSP या SSPO के financial power के अंतर्गत ही उसका rent आता है तो हमें FRAC कराने की जरूरत नहीं है। द इंक्रीज ऑफ रेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्लिक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ओन बिल्डिंग शुड बी कवर्ड बाय FR 45। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल पब्लिक सेंटर में किसी रेंटेड बिल्डिंग का किराया एक्सेस करना है के लिए, तो वो हमें FR 45 के रूल के माध्यम से ही देखना है। और सेम इसका जो लॉजिक रहता है वो एप्लीकेबल होता है स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट पब्लिक सेक्टर की बिल्डिंग के लिए भी। अब FRAC तीन लेवल में होती है। अगर वो SSPO के जो फाइनेंशियल पावर के अंतर्गत नहीं आती है तो फिर हमें FRAC का सहारा लेना पड़ता है। इसमें जितनी भी सिटी हैं XYZ तीन क्लासेस ऑफ सिटी रहती हैं, उनका रेंट स्लैब हम जानेंगे। फर्स्ट लेवल FRAC के लिए X सिटीज़ के लिए 5000 टू 15000 रहता है, Y के लिए 5000 टू 10000 एंड 4000 टू 10000, Z सिटीज़ के लिए 3000 टू 8000 रहता है। और इनकी जो FRAC बनती है वो डिविजनल हेड, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, डबल मतलब AO यानी अकाउंट ऑफिसर क्लास 1 डिवीज़न या डबल AO फॉर क्लास 2 डिवीज़न। अब हम बात करेंगे सेकेंड लेवल FRAC की। इसमें भी तीन क्लासेस रहती हैं सिटी की, X, Y, Z।
15,000 to 40,000 इसका रेंट स्लैब रहता है एक सिटीज़ के लिए। वाई सिटीज़ के लिए 10,000 to 20,000 रहता है। जेड सिटी के लिए 8,000 to 12,000 रहता है। और इनकी जो FRAC गठित होती है वो डिविजनल हेड AE सिविल और सीनियर AO और AO इन तीनों के माध्यम से FRAC का गठन होता है। फिर है थर्ड लेवल की FRAC, इसमें X, Y, Z वही तीन सिटीज़ रहती हैं उसका रेंट स्लैब, लेकिन Y वाली जो रहती है वो तीन उसमें नए सिरे से तीन उसमें डिवाइड किया गया है Y सिटीज़ को। एक सिटीज़ के लिए सबसे पहले 40,000 to 1,00,000 और दूसरी Y सिटीज़ में पहला आएगा आपका 20,000 to 50,000। Y सिटीज़ के लिए आएगा आपका 20,000 to 40,000। Y के लिए थर्ड जो कैटेगरी है उसके लिए 20,000 to 30,000। जेड सिटीज़ के लिए रहेगा आपका 12,000 to 20,000। इसमें जो तीन मेंबर होते हैं FRAC के, सबसे पहला होता है डायरेक्टर ऑफ पोस्टल सर्विस यानी कि हमारे DPS, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ अकाउंट पोस्टल, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल। इन तीनों से ये FRAC गठित होती है। रेंटेड बिल्डिंग में रजिस्ट्रेशन ऑफ लीज डीड इज कंपलसरी होता है। एग्जेम्प्शन कैन बी प्रोवाइडेड वेयर द बिल्डिंग इज ओन्ड बाय ट्रस्ट सोसाइटी एटसेट्रा विद द अप्रूवल ऑफ PMG। द कॉस्ट टू बी बोर्न फॉर रजिस्ट्रेशन में आल्सो बी कंसिडर्ड वाइल फिक्सिंग रेंट इफ़ द रेंट प्रपोज इज विद इन द फाइनेंशियल पावर ऑफ SSPO। डिस्प्ले ऑफ बोर्ड्स, एक्टिविटी ऑफ पोस्ट मास्टर, इन्वॉल्व द स्टाफ इन अरेंज। इसमें सबसे पहले है डिपार्टमेंटल बिल्डिंग। एस इज डिटेल ऑफ वर्क टू बी कैरिड आउट ड्यूरिंग पीरियडिकली मेंटेनेंस एंड रिपोर्ट। एनुअल रिपेयर एंड माइनर सिविल वर्क एंड पीरियडिकली मेंटेन विल बी कैरिड आउट बाय द सिविल विंग। जो भी हमारा रिपेयर माइनर एनुअल रिपेयर और माइनर सिविल वर्क होता है वो सिविल विंग के द्वारा ही मेंटेन किया जाता है। IP विल हैव क्लोजली लाइसेंस विद सिविल विंग अथॉरिटी। वॉल शेल्फ्स फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स, पीरियडिकली क्लियरेंस ऑफ ओल्ड रिकॉर्ड्स, बीटेड आउट अननेसेसरी स्टोर्स, एनी अदर ऑप्शन जो भी आपको लगे इस सुटेबिलिटी के लिए। कन्वर्ट वन रूम फॉर कीपिंग स्टोर फॉर ऑफ सब डिविजन। एग्जामिन नीड फॉर इंस्पेक्शन रूम्स। एग्जामिन मर्जिंग ऑफ ऑफिसेस। एग्जामिन अटैचिंग और डिटैचिंग BOs। रीअरेंजमेंट ऑफ डिलीवरी एरियाज, एनी जो भी आपके एनी अदर ऑप्शन। अब शेड्यूल ऑफ एकोमोडेशन देखेंगे हम। SPM के लिए 75 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए रेंटेड जो भी बिल्डिंग रहेगी। ASPM के लिए 60 स्क्वायर फीट जगह रहनी चाहिए। पोस्टल असिस्टेंट के लिए 40+20 फॉर SBNSC। डिलीवरी PA के लिए नंबर ऑफ बीट के अकॉर्डिंग 25 स्क्वायर फीट। ग्रुप डी एंड इंक्लूडिंग जो भी GDS रहेगा उसके लिए 20 स्क्वायर फीट की। द इंक्रीज ऑफ रेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्लिक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ओन बिल्डिंग शुड बी कवर्ड बाय FR 45। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल पब्लिक सेंटर में किसी रेंटेड बिल्डिंग का किराया एक्सेस करना है के लिए तो वो हमें FR 45 के रूल के माध्यम से ही देखना है। और सेम इसका जो लॉजिक रहता है वो एप्लीकेबल होता है स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट नहीं चाहिए। पब्लिक स्पेस के लिए 50 स्क्वायर फीट की जगह जितने भी आपके काउंटर रहेंगे उसके अकॉर्डिंग। यूरिनल वॉश बेसिन के लिए मिनिमम 40 और मैक्सिमम 60 स्क्वायर फीट की जगह। SPM क्वार्टर के लिए 484 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए। इसलिए आप कभी भी रेंटेड बिल्डिंग डिविजनल ऑफिस में आप पोस्टल असिस्टेंट एज अ पोस्टल असिस्टेंट काम कर रहे हैं तो आपको सिर्फ यही नहीं देखना है कि हाँ वो रेंटेड बिल्डिंग मिल रही है तो हम उसे ले लें। आपको ये सब चीज़ें भी और ये सब जगह कि कौन कैसे बैठेगा, अलमारी कहाँ पर कैसे रखाएगी, हमें हर चीज़ का ध्यान रखना है। पब्लिक के लिए भी, हमारे लिए भी, कि प्रॉपर वेंटिलेशन है कि नहीं, ये सब बातों को ध्यान रख के ही रेंटेड बिल्डिंग हमें एकोमोडेट करनी है। धन्यवाद। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आपको इसकी एक्सरसाइज बाद में आपकी ईमेल आईडी पे आपको दे दी जाएगी। धन्यवाद। थैंक यू।